The number of symmetric matrices of order 3 with all the entries from the set 0 to 9. ये एक सेट दिया है 0 to 9 digits का सेट. इसमें से digits यूज करके symmetric matrix कितने हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चन है. और order 3 होना चाहिए. order 3 सिर्फ दिया है तो इसका मतलब ये square matrix है. तो square matrix 3 by 3 का जो होगा इसमें total 9 elements होंगे. और symmetric का meaning होता है डायगोनल के दोनों साइड में सिमिलर टाइप के एलिमेंट होने चाहिए. जैसे डायगोनल में तो कुछ होगा नंबर यहाँ पे, लेकिन डायगोनल के दोनों साइड में जैसे यहाँ पे जो एलिमेंट होगा सिमिलर एलिमेंट यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट होगा सिमिलर टाइप का एलिमेंट यहाँ पे भी होना चाहिए, और यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसी टाइप का एलिमेंट यहाँ पे भी होना चाहिए. इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. तो इस टाइप के कितने मैट्रिक्स फॉर्म होंगे अगर हम ऐसा लिखेंगे कि हम यहाँ पे कुछ अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल जैसे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी सी लिख सकते हैं. अब सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बी ही होना चाहिए क्योंकि सिमेट्रिक है. फिर ये डायगोनल जो है डायगोनल पे कुछ कंडीशन है, डायगोनल कुछ भी हो सकता है. ये बी के बाद हम यहाँ पे डी भी लिख सकते हैं, उसके बाद ए भी कुछ हो सकता है ई. फिर थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सी ही होना चाहिए क्योंकि ये ऑपोजिट है इस सी के. फिर नेक्स्ट एलिमेंट ई ही होना चाहिए और ये लास्ट का डायगोनल का एलिमेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है. तो इस टाइप का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा. और ये ए बी सी डी ई एफ जो है उनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है जो इस सेट में से ही होगा, 0 to 9 में से कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे कितने हम बना सकते हैं, तो यहाँ पर हमें ए बी सी डी ई एफ 6 वेरिएबल्स दिख रहे हैं. हर एक वेरिएबल जो है वो 0 से लेकर 9 तक वैल्यू ले सकता है, जो है 10 पॉसिबल वैल्यूज. तो इसके 10 पॉसिबल वैल्यूज हैं, बी के भी 10 पॉसिबल वैल्यूज हैं. इस तरह के इन सभी वेरिएबल्स के 10 पॉसिबल वैल्यूज होंगे जो 0 to 9 होंगे. अब अगर हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है ये मैट्रिक्स, तो ए से लेके एफ तक ये 6 वेरिएबल जो है इन सबको हमें वैल्यू असाइन करना होगा. तो अब ये काउंटिंग का क्वेश्चन है जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में होता है. ऐसे अगर बहुत सारे इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स अगर नेसेसरी हैं और हर एक इवेंट का बहुत सारा वेज है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वेज कैलकुलेट करने के लिए. जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ सभी को हमें वैल्यू असाइन करना होगा, ये नेसेसरी है. ऐसे नहीं कि सिर्फ ए या सिर्फ बी को वैल्यू असाइन करके मैट्रिक्स फॉर्म होगा, सभी के लिए असाइन करना होगा. तो ये सारे नेसेसरी हैं और हर एक का तरीका जो है वो 10 तरीके से कर सकते हैं हम. तो टोटल मल्टीप्लीकेशन जो होगा इनका वो आएगा 10^6. तो इसलिए आंसर इस तरह से आएगा, बी ऑप्शन 10^6.